अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजी टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि दो तीन दिन से ये बातें मशहूर है कि अब व्हाट्सएप हमारा डेटा प्राइवेसी यानी हमारे प्राइवेसी ये एडवर्टाइज़र को दिखाएगा। और इस खबर को सुन के बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे क्योंकि हर कोई अपना प्राइवेसी चाहता है। और अगर प्राइवेसी की बात की जाए तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार हम टेलीग्राम पर चले जाए, वहाँ पर हमारी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा सिक्योर होगी। तो आज की स्टूडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वाकई टेलीग्राम में हमारी प्राइवेसी सिक्योर है। तो आज की स्टूडियो को आप लोगों ने लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने से आपका कोई खर्चा नहीं होता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर टेलीग्राम की ऐप की बात की जाए तो टेलीग्राम में भी वो खसूसियत मौजूद है जो कि व्हाट्सएप में है। मसलन स्टिकर्स हम सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर हम वीडियो को सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर हम ऑडियो को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर फ़ोटो भी सेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को। और वहाँ पर एक बात ये भी है कि वहाँ पर आप अपने चैनल को भी बना सकते हैं, टेलीग्राम में भी चैनल बन सकता है। और वहाँ पर लोग अपने अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, वहाँ पर आपको सर्च में मूवीज़ भी मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ पर सर्च करें तो आपको मूवीज़ भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा टेलीग्राम में आप लोगों को नंबर सेव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोगों ने वहाँ पर सर्च करना होगा यूज़र नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जो है फेसबुक का मैं बताने जा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्निकल एमजी टीवी। तो जब वो वहाँ पर मेरा अकाउंट मौजूद होगा तो वहाँ पर जब कोई टेक्निकल एमजी टीवी सर्च करेगा तो वहाँ पर मेरा अकाउंट शो हो जाएगा। और दोस्तों, जहाँ पर प्राइवेसी की बात की जाए तो आजकल हर एप्लीकेशन ज़रूर परमिशन मांगता है और ज़रूर हमारी प्राइवेसी एक्सेस करता है, अपनी तरफ खींचता है अपनी हमारी प्राइवेसी को। तो आजकल आपको ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगा जिससे आपका प्राइवेसी बच जाए, यानी आपका प्राइवेसी वो परमिशन ना मांगे आपसे। तो आजकल ऐसा कोई भी एप्लीकेशन मौजूद नहीं है कि वो आपकी प्राइवेसी को नहीं मांगता। और अगर इसी तरह हम टेलीग्राम ऐप में अपना अकाउंट बनाएं, हम उसको इंस्टॉल करें और उसमें हम अपना अकाउंट बनाएं तो वो भी हमसे ज़रूर परमिशन मांगेगा, ज़रूर हमसे अपने प्राइवेसी ज़रूर लेगा। तो फैसला आप पर है, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करना चाहें तो आप बिल्कुल टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने तो ऑलरेडी एग्री पर क्लिक किया है, व्हाट्सएप में मैंने ऑलरेडी एग्री पर क्लिक किया है तो मुझे व्हाट्सएप पसंद है। और इसके अलावा आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँ कि टेलीग्राम में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स शायद टेलीग्राम यूज़ ना करें, वो व्हाट्सएप यूज़ करें, तो फिर क्या आप किसके साथ गपशप लगाएंगे? तो ये भी एक मजबूरी वाली बात है। और इसके अलावा आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको टेलीग्राम पसंद है या व्हाट्सएप, आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहोगे 2021 में, आप टेलीग्राम यूज़ करना चाहोगे या व्हाट्सएप? तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना राय ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।